हेलो एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल. टुडे फॉर स्टैंडर्ड 12th साइंस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर 10. द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इज फर्स्ट वन इज 10.4 एंड अनदर वन इज 10.5. सो स्टार्टिंग विथ अवर टॉपिक 10.4 विच इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स. इसमें हम बेसिकली दो वेव्स लेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और उसके बेस पे कुछ इक्वेशंस निकालेंगे. सो लेट अस टेक टू वेव्स. फर्स्ट वन इज S1 and second one is S2. The displacement for wave S1 is equals to A cos omega t, and same for Y2 is equals to A cos omega t. यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम इसीलिए है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो दोनों वेव है वो एक ही फेज में है. अब इसके बेस पे जो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो होगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का एडिशन. दैट विल गिव अस 2a cos ओमेगा t, मतलब 2 टाइम्स a cos ओमेगा t. और इसकी जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो होगी 4i0 इंटू cos square phi by 2. ये मिलेगी हमें इंटेंसिटी. ये कैसे मिली वो आपको लास्ट में समझ आएगा. तो पहले तो हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वेव है, इसे हम S1 डिनोट करेंगे और दूसरी वेव जो इसे यहाँ इस पॉइंट पे मिलती है उसे हम डिनोट करेंगे S2. अभी सपोज इस वेव की जो वैल्यू है वो है 7 लैम्ब्डा और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो है सपोज 9 लैम्ब्डा. तो जब हम इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S2 माइनस S1 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 विच विल गिव अस आंसर एज 2 लैम्ब्डा. अभी जो आंसर हमें मिला है वो मिला है हमें पॉजिटिव में. सो इसके बेस पे हम पहले तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे y1 इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, और जो y2 होगा उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग होगा. वो क्या होगा कि a cos ओमेगा t माइनस 4π. ये 4π हमें किस बेसिस पे मिला, ये 4π जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. मतलब 2 को जब डबल करोगे तो आपको 4 मिलेगा. सो डिस्प्लेसमेंट 2 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4π है. और ये जो नेगेटिव हमें मिला है इसका मतलब कि हमारी जो दोनों वेव्स है वो एक ही फेज में है, ये हम कह सकते हैं. सो अभी ये तो हुआ एक एग्जांपल. इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, और जहाँ पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. तो ये तो वो एग्जाम्पल था जिसमें हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है. अभी मिनिमम इंटेंसिटी हमें किस केस में मिलेगी, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें भी हम सेम दो वेव्स लेंगे S1 और S2, और वो दोनों भी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही होंगी. जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और इसकी वैल्यू हम लेंगे अब 9.5 और इसकी वैल्यू लेंगे 7.5. ठीक है, तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे S2 माइनस S1 तो हमें क्या मिलेगा, 7.5 माइनस 9.5, सॉरी विल टेक 25 हियर. सो 7.25 माइनस 9.25 विल गिव अस आंसर एज माइनस 2.5 लैम्ब्डा. यहाँ पे हमें जो डिफरेंस मिला है वो माइनस में मिला है, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी. अभी इसके बेस पे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट 1 की वैल्यू तो एज इट इज होगी ए कॉस ओमेगा टी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट 2 होगा उसमें चेंज आएगा, उसमें हमें वैल्यू मिलेगी ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5. अभी प्लस 5 में कैसे आया वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इसका जो डबल कर दिया है इसलिए हमें प्लस 5 मिला. ठीक है, सो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी जो मिलेगी वो होगी मिनिमम इंटेंसिटी, और उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. ठीक है, सो ये तो हुई मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात. अब
इन शॉर्ट हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब हमारा जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा, और मिनिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब हमारा जो डिफरेंस होगा दो वेव्स के बीच का वो नेगेटिव में मिलेगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरा क्या है कि इतना तो हमने देख लिया, अभी हम ये वाली जो इंटेंसिटी है वो कैसे आई वो देखेंगे। सो उसके लिए पहले तो एग्जांपल निकाल लेते हैं। एंड अब जब डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया y1 की वैल्यू थी a cos ओमेगा t और y2 की जो वैल्यू थी वो थी a cos ओमेगा t प्लस 5, तो उसे हम लिख सकते हैं a cos ओमेगा t प्लस 5 पाई को हम 5 डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारी जो ये जो वैल्यू है पूरी वो 5 की वैल्यू पे डिपेंड करती है। कैसे कि अगर हम 5 की वैल्यू इवन लगे, जैसे 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो उस टाइम पे हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मिलेगी। वेयर एज अगर हम 5 की वैल्यू ऑड नंबर्स में लेते हैं, सपोज कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 9 पाई, ऑड नंबर्स की वैल्यू लेके, तो हमें जो 5 की वैल्यू मिलेगी वो इंटेंसिटी होगी डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी। तो अभी यहाँ पे y2 में जो हमारी इंटेंसिटी थी वो डिस्ट्रक्टिव थी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का एडिशन, जिसे हमें क्या मिलेगा, a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा टी प्लस 5। अब ये a cos 2 टाइम्स है, सो उसे हम कॉमन निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स a cos ओमेगा भी है और यहाँ पे ओमेगा प्लस 5 भी है, ओमेगा टी प्लस 5। सो उसमें हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a cos into पहले तो 5/2 एंड देन cos ओमेगा टी प्लस 5/2। तो ये हमें मिला है टोटल डिस्प्लेसमेंट y। अभी दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास cos square 5/2 है और 4i0 है, तो वो कब मिलेगा हमें, जब हम i की वैल्यू 2i0 लेंगे तब इसका जो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तब मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे तब हमें 4i0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे cos का स्क्वायर है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमने हाफ कर दिया, ठीक है। सो cos का सिर्फ cos होगा तो 2i0 होगा, लेकिन स्क्वायर किया है इसीलिए हमें 2i0 का स्क्वायर 4i0 यहाँ पे मिला है। सो दैट्स व्हाई वी गेट द इंटेंसिटी की फॉर्मूला लाइक दिस। अब इसकी जब एवरेज निकालेंगे, सपोज हमने यहाँ पे इंटेंसिटी की एवरेज निकाली, तो हमें 4i0 की भी एवरेज निकालनी पड़ेगी और जो cos 5/2 है उसकी भी एवरेज निकालेंगे। तो जब उसकी एवरेज निकालेंगे तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड बाय, तो इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन इसकी जो एवरेज निकालेंगे तो इसके डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो वी विल गेट दिस वैल्यू 2i0। तो उस बेस पे हमें इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी की वैल्यू मिलती है 2i/0। सो दिस इज आवर टॉपिक 10.4। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, जो है हमारा टॉपिक 10.5, जिसमें भी हम सेम वेव्स का ही कुछ थियरी लेंगे, लेकिन उसमें हम दो वेव्स जो ब्राइट और डार्क वेव्स है उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सो बेसिकली हमारा टॉपिक 10.5 का टाइटल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम यंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो लाइट वेव है उसका इंटरफेरेंस निकालेंगे। सो
पहले तो एक सिनेरियो लगे कि यहाँ पे सपोज हमारे पास दो स्क्रीन है, ठीक है। जैसे कि वेव पे एग्जांपल में आपको दिखाया था कि जब यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो और फैलती है। एक स्क्रीन में से यहाँ पे हमने लाइट इंसिडेंट की, अब वो फैलेगी तो यहाँ पे स्क्रीन के बीच में एक और दो डॉट बनेगी, ठीक है। तो पहली लाइट यहाँ पे भी जाएगी, फिर यहाँ पे भी जाएगी और फिर यहाँ पे भी जाएगी। यहाँ अब हम एक रे इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि रेस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम एक ही रे लेंगे। अब यहाँ से ये जो है हमारा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट, वो होगा हमारा सेकेंडरी पॉइंट या सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि वेव के फॉर्मेट में जो हर एक जो सेकेंडरी पॉइंट होता है वो खुद को इंडिविजुअल सोर्स की तरह मानता है, इसीलिए इसे हम डिनोट करेंगे S1 एज अवर सेकेंडरी सोर्स। अब यहाँ पे से यहाँ एक सपोज हमने स्क्रीन ले ली, तो ये जो तीनों पॉइंट है ये पहले यहाँ पे भी मिलेंगे, या इस पूरी स्क्रीन में किसी भी पॉइंट पे ये दोनों रेज मिल सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ मैं एक ही पॉइंट को मार्क करके दिखा रही हूँ। ये S1, ये S2, ये S3, जितने नंबर ऑफ स्क्रीन्स होगी उतने हम सेकेंडरी सोर्सेस लेंगे। अब दूसरा क्या है कि हमें फाइंड करना है ये S1 और S2 की वैल्यू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्क्रीन लेंगे ये पूरी, जिसे हम G और G' नेम ले लेंगे। अब यहाँ से दो रेस इंसिडेंट हो रहे हैं, एक यहाँ से और दूसरा जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, सॉरी एक्चुअली हमारा जो दो रे है वो एक पॉइंट में मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नेम देंगे वो, और ये है हमारी मिड लाइन। अब ये है S1 वेव और ये है S2 वेव। यहाँ से जो हमारी ये लाइन तक का डिस्टेंस होगा उसे हम कैपिटल D डिनोट करेंगे, और ये जो इतना जो डिस्टेंस होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारी सेंटर पॉइंट तक उसे हम डिनोट करेंगे X। अब एक छोटा सा दिखा देती हूँ, दिस इज आर X, दिस इज Y एंड दिस इज Z, थ्री पॉइंट्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, S2 माइनस S1 क्या होगा, वो होगा n इंटू लेमडा, जहाँ पे n की वैल्यू 0 से n तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब S2P² - S1P² क्या होगा, तो पहले S2P² की वैल्यू निकाल देते हैं। S2P² का मतलब देखो, यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है, S2 का। तो S2 का जो ट्राइंगल मिल रहा है, तो इतनी डिस्टेंस जो है इस सोर्स से इस सोर्स के जो डिस्टेंस है वो हम डिनोट करेंगे D, मतलब सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच में जो डिस्टेंस हमें मिलती है वो है स्मॉल D। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें स्मॉल D मिलती है, अगर इसको आधी कर दे तो D/2 मिलेगा। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमें डिस्टेंस मिली वो D/2 होगी, ठीक है। तो इस बेस पे हम S2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, S2 की वैल्यू लिखेंगे पहले तो D² आएगा, हाइपोटेनियस जो है हमारा ये D² प्लस हमारा ये जो एक्स है, ये ट्राइंगल की जो एक एज है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसलिए ये प्लस ये भी लेना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट में लगा लेंगे X+D/2। तो ये तो हुई हमारी S2P² की वैल्यू, ठीक है। अब S1P² की वैल्यू क्या लेंगे, तो S1P² की वैल्यू में डी का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो D² तो आएगा ही आएगा। तो D² प्लस अब हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे जो पूरा X है उसकी हाइट हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है वो इतने तक की है, ठीक है। तो ये जो X है ये आधा हो गया, सो X में से ये जो D/2 है, अगर इतनी वैल्यू D/2 है तो ये भी D/2 ही होगी। तो X में से जब इतनी D/2 माइनस करेंगे तब हमें इस पर्टिकुलर H की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, X - D/2, ठीक है। तो ये तो मिली हमें S1P² की वैल्यू। अब इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो साथ में लिखेंगे कि D² प्लस X+D/2 माइनस D² प्लस इन ब्रैकेट X-D/2, ठीक है।
और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें पी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर है और माइनस डी स्क्वायर है, तो ये निकल जाएगा। प्लस एक्स है, प्लस एक्स है, ये दोनों प्लस एक्स है, तो ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस डी बाई टू है और यहाँ पे माइनस डी बाई टू है, तो ये भी निकल जाएगा। तो हमारे पास दो एक्स हुए, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, टू एक्स इंटू डी। ओके, तो ये तो हुई हमारी एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंस की। अब यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर चीज ये है कि हमने जो वैल्यू फाइंड की वो तो थी एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर की इक्वल्स टू टू एक्स डी, ठीक है। अब स्क्वायर निकालेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एस टू पी प्लस एस वन पी मल्टीप्लाई एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल्स टू टू इंटू एक्स डी, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो एस टू पी माइनस एस वन पी हमें क्या मिलेगा, टू एक्स डी होल डिवाइडेड बाय एस टू पी प्लस एस वन पी। तो ये मिली हमें दोनों वेव्स के बीच के डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। अब सपोज हम अज्यूम करें कि ये जो एस टू पी प्लस एस वन पी है, जो इन दोनों का एडिशन, उससे हम डिस्टेंस डी एज्यूम करें, तो हमें इसकी फर्दर वैल्यू क्या मिलेगी, 2xd डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, क्योंकि इसे हमें अज्यूम कर लिया है हमारा कैपिटल डिस्टेंस डी, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी दोनों जो ट्रायंगल्स है उसके बीच के डिफरेंस की वैल्यू। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ब्राइट रीजन में रिजल्ट करेगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में सिखाया, अगर वो हमारी ब्राइट रीजन में होगा तो हमें एक्स डी बाई डी की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स डी बाई डी विल बी इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा। एन इंटू लेमडा जो है वो हमारा दोनों वेव्स का बीच का जो डिफरेंस था वो था, यहाँ दोनों ट्राइंगल का डिफरेंस है और यहाँ दोनों वेव्स के बीच का डिफरेंस है, तो हम वेव्स और ट्राइंगल्स के बीच के डिफरेंस को इक्वल लिख सकते हैं, और इक्वल लिखेंगे तो हमें हमारे x की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, हमें जो x की वैल्यू है वो मिलेगी x विल बी इक्वल्स टू x n दैट विल बी इक्वल टू n इंटू लेमडा d बाई डी, ठीक है। अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो था n, अगर n प्लस वन होता तो क्या होता, तो एक्स एन प्लस वन होता तो हमें इसमें एन प्लस वन करना पड़ता है, तो उसमें हमें क्या वैल्यू मिलती, एन प्लस वन बाई टू इंटू लेमडा डी बाई डी, ठीक है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस टू, प्लस और माइनस थ्री, ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे n प्लस वन की वैल्यू में मिले, तो जब हम n प्लस वन माइनस एक्स एन करेंगे, इसमें से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे n लेमडा d है माइनस लेमडा d, तो ये दोनों तो एज इट इज रहेगा, ये चला जाएगा और n चला जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लेमडा d डिवाइडेड बाई d, इसे हम बीटा भी कह सकते हैं। तो ये तो हमें मिली एक्स एन की वैल्यू, ठीक है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं कि ये जो चौक से मैंने लाइन दोरी है, इसे आप समझ लीजिए, ये हमारी डार्क है, डार्क स्क्रीन, और ये जो बीच की जो स्क्रीन है वो है हमारी ब्राइट स्क्रीन, तो इन पूरी जो पर्टिकुलर जो है इसका जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा लेमडा डी बाई डी, ये पूरी तीनों की तीनों का एडिशन, लेकिन हम सिर्फ ये एक लेंगे तो इन दोनों ब्राइट डार्क लाइन के बीच में जो व्हाइट लाइन है उसका डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, लेमडा डी डिवाइडेड बाई टू डी, मतलब कि एक पूरी में से हम एक पार्ट लेंगे तो वो आधा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेमडा डी बाई डी है ये इस पूरी जो ब्राइट लाइन्स का एडिशन है वो है, ठीक है।
सो दिस इज आवर सिंपल टॉपिक 10.5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट. हम देखेंगे एग्जांपल 10.3. सो 10.3 में बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो स्लिट्स है जो बनाए गए हैं 1 मिलीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, और इसी दो जो स्लिट्स है उससे 1 मीटर अवे एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है. ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्लिट्स है और इससे 1 मीटर अवे एक स्क्रीन लगाई गई है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm है. ठीक है, और ये जो स्लिट्स और ये जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है. ठीक है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 न्यूटन मीटर इज यूज्ड. मतलब कि 500 न्यूटन मीटर की जब एक ब्लू ग्रीन लाइट इस पे इंसिडेंट होगी 500 न्यूटन मीटर के वेवलेंथ की लाइट, सो फ्रिंज सेपरेशन क्या होगा. तो फ्रिंज सेपरेशन की फॉर्मूला हमने देखी थी लास्ट में निकाली थी कि लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी, ये वाली लैम्डा डी बाय डी. ठीक है, सो उसके हिसाब से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रिंज सेपरेशन इज इक्वल्स टू डी को आगे लिखे या पीछे लिखे वैल्यू तो सेम ही होगी, सो डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी. अब हमारा डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर का है, सो 1 इंटू वेवलेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 500 न्यूटन मीटर की है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो हमें मिलेगा 1 × 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय जो हमारे स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है वो, तो वो है 1 मिलीमीटर. उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 × 10⁻⁴ मीटर. इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, सॉरी नॉट 1 × 10⁻³. तो इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 × 10⁻⁴ विच इज इक्वल्स टू 0.5 mm. सो जो फ्रिंज सेपरेशन की वैल्यू होगी जब ब्लू ग्रीन लाइट की 500 न्यूटन मीटर वेवलेंथ की इस दो स्लिट्स पे इंसिडेंट होगी, तो जो सेपरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 0.5 मिलीमीटर. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 10.3. जो एग्जांपल 10.4 है उस वो पूरा थियोरी बेस्ड है, सो वो आप देख लेना, उसमें मैं फर्दर नहीं जा रही हूँ. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे. थैंक यू.